Hello students, welcome to Dialect Education. After a long time, we are meeting through this video lecture. Okay, now in the last interacting sessions, we have started the numerical sums. So by this video, I need to clear your more concept regarding the numerical sum. So it's our lecture number 32 for your chapter number 3. Okay, now see, before starting the video numericals, I need to explain how to solve the numericals. See, in chapter number 3, आप लोगों को अब तक आपने elimination solve किया, substitution solve किया, cross multiplication solve किया, जो भी method से आपने solve किया, उसमें हमेशा आप लोगों को दो equation देते थे, और आप उस दोनों equation को solve करते थे. Now, in numerical sums, इन न्यूमेरिकल सम्स आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो न्यूमेरिकल सम आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा. पहला स्टोरी नंबर 1, यानी कि एक इंफॉर्मेशन दी होगी, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी होगी. फिर स्टोरी नंबर 2, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन दी होगी. और तीसरा पार्ट आपको कुछ भी फाइंड आउट करने का बोला होगा. चलिए, ये पहला सम बोर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख लिया है. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. लेट मी एक्सप्लेन, लेट्स रीड द सम. आफ्टर टेल हिज अफताब टेल हिज डॉटर 7 इयर्स एगो. 7 साल पहले की बात है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन से 7 साल पहले की बात है. 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. जो मैंने ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, ये हमारी इंफॉर्मेशन नंबर 1 है. फिर रेड कलर का लिखा हुआ है, वो हमारी इंफॉर्मेशन नंबर 2 है. क्या है पहली इंफॉर्मेशन? कि अफताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. अफताब उसका फादर है, उसकी जो एज है वो 7 times है. 7 times, what is the meaning of 7 times? मान लीजिए कि डॉटर की एज 5 साल होगी तो फादर की एज 35 होगी, हो गया 7 times. अगर डॉटर की एज 10 years होगी तो फादर की 70 होगी. सीधा डॉटर की एज से 7 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, क्लियर. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई होगी? आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, क्लियर. 3 इयर्स नाउ ऐसा दिया हुआ है. नाउ यानी कि बाद में, एगो यानी कि पहले. मान लीजिए कि मैं आपको पूछूं कि आपकी प्रेजेंट एज कितनी है. सर फॉर एग्जांपल, आप मुझे आंसर देंगे कि सर मेरी प्रेजेंट एज 15 इयर्स है. तो मैं क्वेश्चन करूं कि आपको 7 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या आंसर देंगे? सर 8 इयर्स थी. क्या किया आपने? तो 15 में से 7 को माइनस किया. और अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं कि 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ बोले, 3 इयर्स लेटर बोले, 3 इयर्स हेंस बोले, यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद. तो सपोज आपकी प्रेजेंट एज 15 इयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? 18. क्या किया आपने? एग्जैक्टली 3 ऐड किया. और एगो के लिए क्या किया आपने? 7 माइनस किया. 7 इयर्स है वो, यानी कि 7 माइनस किया. बिफोर 7 इयर्स, यानी कि 7 माइनस किया. ओके, तो ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो हमारा पार्ट 1 है, और रेड कलर से लिखा हुआ है वो हमारा पार्ट 2 है. मैंने पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल सम जो है वो तीन हिस्सों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ऐसे देंगे नहीं, आपको करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा पार्ट 2 है, कौन सा पार्ट 3 है. पार्ट नंबर 1 इंफॉर्मेशन होगी पहली वाली, जिससे पहली इक्वेशन बनेगी. पार्ट नंबर 2 उसी रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, जिससे दूसरी इक्वेशन बनेगी. एंड पार्ट नंबर 3 आपको जो फाइंड आउट करना होगा वो. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अफताब एंड हिज डॉटर. अब हम लोग है ना, सम यहां से शुरू करेंगे.
तीसरे पार्ट से फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अफताब एंड हिज डॉटर. अफताब की प्रेजेंट एज और डॉटर की प्रेजेंट एज को निकाल दिए तो हम उसका एजम्पशन करेंगे. क्या एजम्पशन करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अफताब बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स. आप वेरिएबल कोई भी एज्यूम कर सकते ए बी एक्स वाई पी क्यू व्हाट एवर यू वांट. ओके नाउ ये ब्लू कलर का जो पार्ट था उसका काम हो चुका है. नाउ ये ब्लैक कलर का जो पार्ट यानी कि स्टोरी नंबर वन पार्ट नंबर वन. अफताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले भाई 7 साल पहले की बात है. सपोज ये प्रेजेंट एज हम लोग लेते हैं. इफ वी टेक प्रेजेंट एज ऑफ अफताब एक्स एंड हिज डॉटर वाई तो 7 years बिफोर 7 years ago, x में से क्या माइनस करेंगे 7, y में से क्या माइनस करेंगे 7. ओके 7 साल पहले की बात है. जैसे आपकी एज मान लीजिए कि अभी 15 years है तो 7 साल पहले कितनी थी 8 years. क्या किया आपने तो 15 में से 7 माइनस किया तो अफताब की एज x है तो क्या करेंगे बट ऑब्वियस 7 माइनस करेंगे. डॉटर की एज y है तो क्या करेंगे बट ऑब्वियस 7 माइनस करेंगे. ओके तो अकॉर्डिंग टू अवर इंफॉर्मेशन ये जो x माइनस 7 है वो 7 टाइम्स है. ये 7 टाइम्स है. ये 7 टाइम्स यानी कि ये सपोज 49 है तो ये 7 है. सपोज ये 70 है तो ये 10 है. तो अगर मुझे इक्वल करना है इन दोनों को क्योंकि मेरा काम है इक्वेशन बनाना तब जाके ही x और y की वैल्यू निकलेगी. तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे यहां पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आप सोच लीजिए अगेन सर फॉर एग्जाम्पल कि ये 49 है तो ये 7 है तो मुझे अगर इक्वल करना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज ये 70 है तो ये 10 होगा तो अगेन मुझे इक्वल करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एग्रीड. चलिए ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन. इसको इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. कैसे x माइनस 7 7 इंटू y 7 y 7 इंटू 7 49 तो x माइनस 7 y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0 तो x माइनस 7 प्लस 42 इक्वल टू 0. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. नाउ इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने रेड कलर के पार्ट से लिखा हुआ है माय इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर 3 years ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद 3 years now, 3 साल बाद तो प्रेजेंट एज ऑफ अफताब की x है तो 3 साल बाद कितनी होगी yes, x plus 3. उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है तो 3 साल बाद कितनी होगी y plus 3. अब आपको कंपैरिजन आपको रिलेशन दिया हुआ है इन दोनों के बीच में. इन दोनों के बीच में ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. अफताब अपनी डॉटर को बताता है तेरी जितनी भी एज 3 साल बाद होगी उससे मेरी एज 3 साल बाद 3 times होगी. यानी कि अफताब की एज मान लीजिए कि 45 years होगी तो उसकी डॉटर की 15 होगी. अफताब की एज मान लीजिए कि 60 years होगी तो डॉटर की एज 20 होगी. तो अगेन हमें क्या करना है दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू. ये 3 times है x plus 3 इसकी कंपैरिजन में तो मुझे इक्वल टू करना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने पहले दिया हुआ था 7 times के लिए. चलिए यहां पे लिख देता हूं. मान लीजिए कि ये 30 years है तो ये 10 है तो अगर इक्वल करना है तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बट ऑब्वियस. सपोज ये 45 years है तो ये 15 होगा. इक्वल करना है तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पे भी मैंने ऐसा ही किया. इक्वेशन बनाने के लिए y प्लस 3 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं x प्लस 3 3y प्लस 9 ये दोनों इस तरफ आ जाएगा.
एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू बन गई। ये पहली वाली इक्वेशन, ये दूसरी वाली इक्वेशन। अब आप इक्वेशन सॉल्व करने में तो मास्टर है, कोई भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सम ने आपको बोला ही नहीं होगा कि आप एलिमिनेशन से करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, कुछ भी कर सकते हो आप, ओके। लेकिन ये एक्सरसाइज 3.1 में हमें बोला ही नहीं है कि इक्वेशन को सॉल्व करिए, हमें सिर्फ उतना ही बोला है कि आप इक्वेशन को प्रिपेयर करिए, तो हमने कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके आप इतना लिख सकते हो, बाद में हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड न्यूमेरिकल, आई रिपीट द थिंग्स हाउ यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल जो दिया हुआ होगा वो तीन हिस्सों में आप उसको डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा स्टोरी नंबर वन, यानी कि जिससे पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरा हिस्सा यानी कि स्टोरी नंबर टू जिससे दूसरी इक्वेशन बनेगी, और तीसरा हिस्सा यानी कि वो चीज जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो उस बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स, तीन बैट और छह बॉल परचेज कर रहा है ₹4,3,900। ये पहली इंफॉर्मेशन हुई। लेटर, यानी कि यहां पे बात किसकी चल रही है, तो क्या बैट और बॉल को परचेज करने की, तो लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड ₹4,1,300। यानी कि ये आपकी इंफॉर्मेशन नंबर सेकेंड हुई रिलेटेड टू द परचेज ऑफ बैट एंड बॉल। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बॉल और बैट की प्राइस फाइंड आउट करिए। तो हम सब कहां से शुरू करेंगे, यस तीसरे पार्ट से। एग्जैक्टली क्या करेंगे, हम सबसे पहले एजम्पशन करेंगे लेट द प्राइस ऑफ वन बैट बी एक्स एंड वन बॉल बी वाई, वाई रुपीज भी है, एक्स रुपीज है, वाई भी रुपीज है, ओके। तो पहली इंफॉर्मेशन में कितने बैट्स है, तीन है, दूसरी सॉरी बॉल कितने हैं, छह है, तो यहां पे तीन बैट तो 3x प्लस तीन बैट और छह बॉल सब मिला के ₹3,900 आप पे कर रहे हो, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3x प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल टू जीरो, यू कैन टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन। नाउ इसी के रिलेटेड सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि लेटर शी बाइज अनदर बैट यानी कि एक बैट एंड थ्री मोर बॉल्स, क्लियर, थ्री मोर बॉल्स, एक बैट और तीन बॉल वापस परचेज करते हैं ऑफ सेम काइंड ₹4,1,300। अब एक बैट और तीन बॉल के लिए कितना पे कर रहे हैं, 1,300, तो यहां पे इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, एक बैट यानी कि x और थ्री मोर बॉल्स यानी कि 3y, दैट इज 1300, तो x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू जीरो, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो कोई भी मेथड से, ओके। नाउ देखिए, यहां पे एक बैट का प्राइस हमने एज्यूम किया x, तो तीन बैट थे तो 3x, अगर 10 बैट होता तो क्या होता, एग्जैक्टली 10x, अगर 20 बैट होता तो यस 20x, सेम वे एक बॉल की प्राइस है y, तो 6 बॉल है तो 6y, अगर 10 बॉल होते तो 10y, 15 बॉल होते तो 15y, ओके। लाइकवाइज सर, कभी कभार आपको ऐसा दिया हुआ होगा देयर इज एन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ड मोर और लेस, मोर यानी कि ज्यादा, इससे इतना ज्यादा, लेस यानी कि इससे इतना कम।
फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स, ऐसे वर्ड का यूटिलाइजेशन करेंगे। थ्री टाइम्स यानी कि तीन गुना, फोर टाइम्स यानी कि चार गुना। ओके चलिए, जैसे जैसे सम आएगा वैसे वैसे अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग हम समझते जाएंगे और कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो भी हम समझते जाएंगे। फिलहाल ये सेकेंड सम कंप्लीट हो चुका है, आप वीडियो को पॉज करके आप फिलहाल इतना लिख लीजिए, बाद में यही एक्सरसाइज का थर्ड सम हम करते हैं। यस, नाउ इट्स अ थर्ड सम। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने के लिए जैसे ही सम आपके सामने आता है आपको सम को तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पार्ट नंबर वन जिसमें पहली इंफॉर्मेशन होगी, पार्ट नंबर टू दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, एंड पार्ट नंबर थ्री जिससे हमें एजम्पशन मिलेगा यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना हो वो पार्ट नंबर थ्री में दिया होगा। सम आपके सामने है, चलिए पढ़ता हूं मैं सम। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, पिछली बार तीन बॉल छह बॉल ऐसा था, यहां पर 2 kg एप्पल्स है। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes, grapes 1 kg hai, on a day was found to be rupees 160. ये पार्ट नंबर वन खत्म हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन पहली खत्म हो गई कि एक दिन पे 2 kg apples और 1 kg grapes की प्राइस है रुपीज 160। फिर दूसरे दिन की बात है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ grapes इज रुपीज 300। ये दूसरा पार्ट रेड कलर का, ये पहला पार्ट ब्लैक कलर का जिससे पहली इक्वेशन मिलेगी, ये दूसरा पार्ट रेड कलर का जिससे दूसरी इक्वेशन मिलेगी, और ये ब्लू कलर का पार्ट जिससे हम सम शुरू कर सकेंगे यानी कि एजम्पशन कर सकेंगे। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ एप्पल्स एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स। चलिए शुरुआत वहीं से करेंगे कि लेट दी price of 1 kg of apples b rupees x and 1 kg of grapes b rupees y। 1 kg apple की cost लेते हैं x, तो 2 kg की कितनी होगी? Yes, 2x। 5 kg की कितनी होगी? Yes, 5x। 10 केजी की कितनी होगी? 10x। नाउ ग्रेप्स की लेते हैं y, तो 1 केजी ग्रेप्स की y है, तो 5 केजी ग्रेप्स की कितनी होगी? Yes, 5y। 10 केजी ग्रेप्स की कितनी होगी? Yes, 10y। Okay, so by this information we can prepare first equation। कैसे? देखिए, cost of 2 केजी apples यानी कि 2x plus 1 केजी of grapes यानी कि y, कितने रुपए देने पड़ते हैं? Yes, 160। तो 2x plus y minus 160 equal to 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। नाउ इक्वेशन नंबर टू। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स 4 kg है यानी कि 4x plus 2 kg of grapes है, 1 kg grapes की y है, तो 2 kg की कितनी होगी? 2y। That is equals to 300। तो 300 इस तरफ आ जाएगा, 4x plus 2y minus 300 equal to 0, equation number 2। अब आप ये दोनों equation को solve करके x और y की value निकाल सकते हैं। You can solve by any of the method। यहां पे सॉल्व करने का नहीं बोला है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि अगर 1 केजी ऑफ एप्पल की कॉस्ट निकालने का बोला है और 1 केजी ग्रेप्स की कॉस्ट निकालने का बोला है, तो आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके चलिए, नाउ ये एक्सरसाइज 3.1 के तीन सम हमने कंप्लीट कर लिए है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एक्सरसाइज 3.2। अगेन उसके न्यूमेरिकल सम्स ही हम शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि ये तीनों न्यूमेरिकल सम आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और ये बात वापस समझ लीजिएगा कि सम को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके और जो फाइंड आउट करना है वहीं से हम सम की शुरुआत करेंगे।
हर बार इतने इजी सम नहीं होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, बट द कंसेप्ट रिमेंस द सेम हर बार, याद रहे आप लोगों को। ओके, चलिए आज मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू एक रिव्यू डालने का भेजा है कि यू हैव टू जस्ट गिव द रिव्यूज रिगार्डिंग अवर वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज अवर इंटरेक्टिंग सेशंस। और आप कैसे रिव्यूज लिख सकते हैं उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, आप उसके आंसर्स देके आप रिव्यू को सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज डू द रिव्यूज व्हाटएवर यू फील अप्रोप्रिएट फॉर अस। ओके, बट प्लीज डू द रिव्यूज। ओके, थैंक यू एवरीवन,